हाउ टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड ऑन आईफोन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, यदि आपके पास जियो, वीआई, वोडाफोन, एयरटेल किसी भी कंपनी का सिम है तो बेसिकली कई बार हम फेस करते हैं कि हमारा आईफोन का जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। हालांकि वो अलग बात है कि अगर आपके पास वाईफाई का नेटवर्क है तो अच्छी बात है, बट सम टाइम हम अगर आउटसाइड होते हैं तो कैसे अपने मोबाइल फ़ोन में जो सेलुलर डेटा स्पीड है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा उसको कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पे जाना है। अभी ज़रूरी नहीं कि आपके पास आईफोन 12 से अबव सीरीज़ हो तभी आपके लिए वर्क करेगा 5G को इनेबल करने के बाद, नहीं। इससे भी कुछ अलग चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर लो एंड ये 101% काम की चीज़ें हैं जो आप अभी कभी डन करो, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जाना है अपने आईफोन की सेटिंग्स के ऊपर। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जियो का सिम है एंड मोबाइल डेटा भी है तो इसको मैं सबसे पहले वाईफाई को बंद कर देता हूँ। एंड इसके लिए आपको जो है जाना है सेटिंग्स के ऊपर एंड यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाता है मोबाइल डेटा एंड सर्विसेज। तो लो डाटा मोड इनेबल करने से आप सभी खुद पढ़ सकते हैं, लो डाटा मोड हेल्प्स रिड्यूस मोबाइल डेटा। जैसे कि यदि आपको लगता है कि मेरे आईफोन में इंटरनेट पैक जो है बहुत ही जल्दी खत्म हो जाता है, इंटरनेट जल्दी यूज़ हो जाता है, तो डेट्स आई इसको सेव करने के लिए, इंटरनेट पैक को सेव करने के लिए, आपकी MB को सेव करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए इसको इनेबल किया जाता है। बट इसको आप ऑफ कर दें क्योंकि आज के टाइम में सभी के पास अनलिमिटेड डेटा फी अच्छी खासी GB अवेलेबल होती है, तो आप इसको ऑफ रखें। नेक्स्ट मिल जाती है लिमिट IP एड्रेस ट्रैकिंग, इसको आप इनेबल रखें। ये जो है आपकी जो लाइक इंटरनेट की स्पीड पे भी इफेक्ट डालता है और यहाँ पे आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। एक और चीज़, अगर आपके पास यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर जैसे कि अगर ये तो मेरे पास आईफोन 11 प्रो मैक्स है, अगर आपके पास 12 सीरीज़ है, 12 सीरीज़ से अब जितने भी आईफोन्स आ रहे हैं उसमें आपको जो है यहाँ पे 5G, 4G एंड LTE मिल जाएगा, तो आप 5G को इनेबल कर देना। फिलहाल मेरे पास यहाँ पे नेटवर्क सिलेक्शन में ऑटोमेटिक आ रहा है क्योंकि मेरे पास आईफोन 11 है, डेट्स है। तो अगर आपके पास आईफोन 12, 12 प्लस या फिर 13 जो भी है, इससे अब जितने भी आईफोन्स आएंगे उसमें आपको ये ऑप्शन मिलती है आफ्टर iOS 16 अपडेट के बाद। एक्चुअली गाइस, iOS 16 अपडेट के बाद एप्पल ने इस चीज़ को ऑफिशियली रोल आउट किया था कि जिनके पास आईफोन 12 या फिर इससे अबव सीरीज़ है तो अब आप जो है इनेबल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में जाके 5G को। स्क्रॉल डाउन करके आपको लास्ट में जाना है, यहाँ पे जनरल्स पे जाएं एंड यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में आप सभी देख सकते हैं जितनी भी एप्लीकेशन हम बैकग्राउंड में इनेबल रखते हैं, एक्सेस देते हैं बैकग्राउंड में डेटा का, तो वो जो है कंज्यूम करती है डेटा, प्लस आपका जो है इंटरनेट स्पीड भी इफेक्टेड हो जाता है एंड स्लो हो जाती है। तो ऐसे में जो नेसेसरी है उनको ही आप इनेबल रखें, बाकियों को आप ऑफ कर सकते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, वो है कि आपको बैक करना है, यहाँ से आपको प्राइवेसी में जाकर, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाकर आपको स्क्रॉल डाउन करना है। एक आपको न्यू ऑप्शन मिल जाती है जर्नलिंग सजेशंस, इसको आप जो है ऑफ कर दें। यहाँ पे आपको जो कोई भी काम की चीज़ नहीं है इस तरीके से, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से एनालिटिक एंड इंप्रूवमेंट्स, इसको भी आप ऑफ रख दें। ये भी जो है 24 आवर्स जो है आपका डेटा कंज्यूम करता है एंड यहाँ से जो है एक्टिविटी बैकग्राउंड में रन करती है, तो इसको आप ऑफ कर दें। बस इतना करने के बाद दोस्तों आप सभी को जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जस्ट फॉर 5 सेकंड के लिए, कभी आपको लगे कि मेरी इंटरनेट स्पीड कम हो गई है तो जस्ट 5 सेकंड के लिए आप फ्लाइट मोड को टर्न ऑन करेंगे एंड उसके बाद इसको आप ऑफ कर दें। बस आप इतना करें, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाएगी। पहले से आपको बैटरी मिलेगी, अगर आपको लो नेटवर्क आ रही है तो वो भी सॉल्व आउट हो जाती है इतना करने के बाद। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने आईफोन की ओवरऑल इंटरनेट स्पीड की सेलुलर स्पीड को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।